आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की भरमा सब्जी। ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास कोई सब्जियां ना हो या सब्जियां खा के हम बोर हो चुके हों तो हम प्याज की सब्जी बना सकते हैं। हमारे पास जो छोटे छोटे बचे हुए प्याज होते हैं, जो बड़े प्याज को हम यूज़ कर लेते हैं और छोटे बच जाते हैं, तो उन्हीं से हम आज लाजवाब सब्जी बनाने जा रहे हैं। इन प्याज को मैंने ऐसे 4 पीसेस में काट लिया है, पूरा प्रॉपर नीचे तक नहीं काटा, बस कट लगाया है इसमें ताकि हम इसके अंदर मसाला ऐड कर सकें। अगर प्याज बड़े साइज का है तो उसको 6 पीस में भी हम कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से तैयार हो जाए, मसाला भी उसमें अच्छे से भरा जाए और पक भी अच्छे से जाए। ये सभी प्याज को मैंने तैयार कर लिया है यहाँ पे। पहले मैंने इनको धो लिया था। भरावन के लिए हमने 2 स्पून धनिया पूरा भर के लिया है हमने स्पून को। हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लिया हमने टर्मरिक पाउडर। 1 स्पून रेड चिल्ली, 1 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट, 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून मैंने अमचूर लिया है। अमचूर को मैंने पूरा भर के लिया है अच्छे से। हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम प्याज में मसाला भरने जा रहे हैं। ये लगभग मैंने 700 ग्राम प्याज लिए थे। ऐसे करके हम हर प्याज में मसाला फिल कर देंगे। हमने सभी प्याज में मसाला भर लिया है। हम इन प्याज की सब्जी को लोहे की कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं और मैंने ऑयल की क्वांटिटी जो नॉर्मल सब्जी बनाते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा ली है। बड़े वाले 3 स्पून मैंने ऑयल लिया है। स्टार्टिंग में हमने फ्लेम को हाई रखा है। जैसे ही तेल गर्म होता है हम उसमें जीरा डाल देते हैं। भून चुका है, अब हम इसमें लहसुन डालते हैं बारीक कटा हुआ। 3-4 कलियां मैंने लहसुन की ले ली थी, लहसुन ऑप्शनल है। अब इसके बाद हम प्याज को डाल रहे हैं। लहसुन हमारा भून चुका है। एक बार हिलाने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब हमने इसको कुक होने के लिए ढक दिया। इसी को थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे लग सकती है। ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी सब्जी तैयार है सर्व करने के लिए।